अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम माय उर्दू वर्ल्ड में खुश आमदीद। जैसे कि वीडियो के थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि आज की ये वीडियो किस टॉपिक पर है। कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आप नादरा ऑफिस से भी हासिल कर सकते हैं और ऑनलाइन नादरा निम्स की वेबसाइट के थ्रू भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप नादरा से अपना कोविड 19 का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर भी बहुत आसान है। सिंपली अपना नादरा आईडी कार्ड लेके नादरा के किसी भी ऑफिस से रابطہ करें और 100 रुपीज़ फ़ीस की अदायगी के बाद आपको नादरा का कोविड 19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक नादरा ऑफिस के रश से बचना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी कोविड 19 वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन नादरा की वेबसाइट के थ्रू आप किस तरह से कोविड 19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं उसका डिटेल प्रोसीजर आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको इस चैनल पर आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। सबसे पहले आप नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट nims.nadra.gov.pk ओपन कर लें। वेबसाइट में जहां उर्दू में कोविड 19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का हुसूल लिखा है उस पर क्लिक करें। उसके बाद आईडी कार्ड नंबर या नाइकॉप नंबर टाइप करें, या अगर आप अफगान सिटीज़न हैं और आपका नादरा का POR कार्ड बना हुआ है तो आप यहां अपना POR कार्ड नंबर दर्ज करें। आईडी कार्ड नंबर दर्ज करने के बाद यहां अपने आईडी कार्ड पर मौजूद डेट ऑफ इशू टाइप करें। एक अहम बात नोट कर लें, कुछ लोगों के पास नादरा आईडी कार्ड और नाइकॉप कार्ड दोनों होते हैं, तो अगर आपके पास दोनों कार्ड मौजूद हैं तो आप सिर्फ नाइकॉप कार्ड की डेट ऑफ इशू टाइप करेंगे। उसके बाद आप यहां कैप्चा पजल टाइप करें और तस्दीक करें के बटन पर क्लिक करें। आपके सामने एक और पेज डिस्प्ले हो जाएगा जिसमें आपसे इजाफी मालूमात पूछी जा रही है। यहां आपको आईडी कार्ड या पासपोर्ट के मुताबिक अपना नाम इंग्लिश में टाइप करना होगा। उसके बाद अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो उसका नंबर भी आपको यहां पे दर्ज करना होगा। यहां ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपनी कौमियत सेलेक्ट करें, यानी पाकिस्तानी सेलेक्ट करेंगे और तस्दीक करें के बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट पेज में आपके सामने स्टेप्स शो हो जाएंगे। स्टेप नंबर 1 टर्म्स एंड कंडीशन का है। यहां पर क्लिक करें जहां लिखा है आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द पेमेंट्स टर्म्स एंड कंडीशंस। उसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें। स्टेप नंबर 2 पेमेंट डिटेल्स का पेज है। नादरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की ऑनलाइन फीस 100 रुपीज़ है। यहाँ आपके पास वीज़ा या मास्टर कार्ड मौजूद है तो उसका नंबर टाइप करना है। उसके बाद आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के पीछे 3 हिंसों का CVC कोड लिखा होता है वो टाइप करें। उसके बाद कार्ड की एक्सपायरी डेट यहाँ पे आपको टाइप करनी है और यहाँ पर जिसके नाम पर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड मौजूद है उसकी डिटेल आप टाइप करेंगे। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड मौजूद नहीं है तो आप अपने किसी भी रिलेटिव या किसी भी फ्रेंड का कार्ड उसकी इजाज़त से यूज़ कर सकते हैं। पेमेंट डिटेल्स टाइप करने के बाद आप कंफर्म एंड पे पर क्लिक करें। नेक्स्ट पेज पेमेंट रिसिप्ट का है। यहाँ नादरा ने फेस डिटेक्ट की है तो उसका रिसिप्ट आप इस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो पेज आएगा उसमें आपसे कवायफ यानी मालूमात की तस्दीक करने के लिए कहा जाएगा, यानी आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। अगर तमाम तर इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है तो आप इंदराज करें पर क्लिक करें। जैसे ही आप अंदराज करें पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पेज डिस्प्ले होगा उसमें लिखा होगा सर्टिफिकेट डाउनलोड करें। आप इस बटन पर क्लिक करें तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। इस सर्टिफिकेट को आप प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको नादरा कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने के हवाले से ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मज़ीद बेहतर वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।